हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी को बताया कि BTC वर्सेस BYD का जो फाइनल था फाइनल डिसीजन आ चुका है, जिसमें BYD को प्राथमिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, उन क्वेश्चन के जवाब मैं देने वाला हूं। जैसे जो प्राथमिक स्तर में नौकरी कर रहे हैं 69,000 वाले BYD वाले, क्या उन पर कोई फर्क पड़ेगा? MP में जो वैकेंसी हुई है ना, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? और KVS PRT मेरिट क्या क्या बनेगी, और BYD रिव्यू, इन सभी से हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले बात यह है कि जो BYD वाले हैं केस हार गए हैं, है ना, और दोनों पक्षों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों पक्षों के अलग अलग जवाब भी हैं। BTC वाले बोल रहे हैं कि सर ये तो हमारे लिए ही था, सही हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन BYD वाले बोल रहे हैं कि सर ये तो गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने पैसा देकर, बहुत सारा BYD में पैसा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो BYD वाले हैं दोस्तों, वो डालने वाले हैं आपकी रिव्यू पिटीशन। अब ये जो है रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है BYD वाले, कि भाई फैसले को एक बार दोबारा से देखा जाए। ठीक है, अब यहां पर बात की जाती है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो 69,000 वैकेंसी थी, जिसमें कुछ टीचर वर्क कर रहे हैं, क्या इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो लग गए वो लग गए। लेकिन 69,000 में से कुछ वैकेंसी बची हुई थी, तो अब वो नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी कि अब जो है प्राथमिक स्तर में केवल DLED यानी कि BTC मान्य रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक लेटर जारी दिखा देता हूँ। लेटर जारी हुआ था आपका ये 28/12/2022 का, ये MP का है, और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए था दोस्तों। इसमें साफ साफ दोस्तों ये कहा गया है, शायद आपको ना दिखे तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयी प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। ठीक है, यानी कि MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन है, जबलपुर हाई कोर्ट। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो MP में वैकेंसी हुई है, इस पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बिहार में दोस्तों जो पेपर होने वाला है PRT का, उसमें BYD वाले जा रहे हैं दोस्तों, इसमें भी आपको जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बाहर हो चुके हैं। और KVS की मैं बात कर लेता हूँ, डियर KVS का आपका जो आंसर की है वो तो आ गई थी KVS PRT की, है ना, KVS PRT की तो आंसर की आ गई थी, लेकिन दोस्तों रिवाइन आंसर की नहीं आई थी। अब दोस्तों रिवाइन आंसर की भी आ जाएगी आपकी, कट ऑफ भी लग जाएगी, और कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से दोस्तों कम पर लगने की उम्मीद है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि BYD वाले बाहर निकल गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, तो इसमें BTC BLED वाले है ना, DLED वाले बचे, तो जो मेरिट है वो कम होने के चांसेस हैं डियर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कुछ लोगों के द्वारा कमेंट में बोले गए थे, जिनके आंसर मैंने दे दिए हैं। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, और BYD वाले जो है रिव्यू लेंगे दोबारा से, और 69,000 में जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। KVS PRT की बात करेंगे तो मेरिट कम लगेगी दोस्तों, कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मनोज अकेडमी पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।